आपकी पूरी जिंदगी जो आपके बाल वाल पक गए, वो क्यों पक गए, किस में पक गए? पांच इच्छाएं होती हैं सबकी। या तो आपको देखने की इच्छा होगी किसी को, या तो आपको छूने की इच्छा होगी किसी को, टच करने की। ये भोग की श्रेणी में चला गया, छूना टच करना, ये भोग विलास की श्रेणी में चला गया। चमड़ी का जो सुख है, ये जो चमड़ी का सुख है, ये सुख सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सुख है, और ये बड़े बड़े साधु संतों को परेशान करता है, कर चुका है। इस चमड़ी को जीत लेना बड़ा कठिन है। इसको जीतने के लिए भगवान ने आपको 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य बनाया है, वरना ये चमड़ी का सुख ना कुत्ते को भी चाहिए, गधी को भी चाहिए, बिल्ली को भी चाहिए, इसके पीछे सब पागल है। और ये सुख तब मन हटेगा जब आप इन सब से मन हटा न कर भगवान में लगाओगे, तब पता लगेगा कि ये सुख मिथ्या है, क्या है ये। तो आंख से देखने का सुख, कान से सुनने का सुख, आप या तो सुनने का सुख सुनना चाहते हैं, आप अपनी तारीफ, आजकल लोग अपनी बड़ाई में करोड़ों खर्च करते हैं, बड़ाई तारीफ, और चमड़ी में तो हो ही रहा है, चमड़ी में आप लोग देखो रोज पोता पोती कर रहे हैं, जरा लिपस्टिक छूट जाए तो मैया तुरंत लगा लेते, चमड़ी है, और ये चमड़ी एक दिन मोमबत्ती की तरह जल जाती है, हाँ या ना? सत्यता तो यही है कि ये मोमबत्ती की तरह पिघलनी है, लेकिन जब तक है तब तक ये सुख मांगती है। इसलिए इस चमड़ी से मन हटाओ, और इस चमड़ी से मन को हटाकर प्रभु के श्री चरणों में मन लगाओ। आप लोग ये चमड़ी का सुख ना हर योनी में भोगते आए हैं। जनक का इतिहास सुना होगा आप लोगों ने, इस विषय का, चमड़ी के विषय का। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठा करते थे। एक बार महर्षि अष्टावक्र जी गए, उनके पिता कहोड़ का अपमान करके और उन्हें पानी में डुबा दिया था, वरुण लोक चले गए थे। एक दिन मां से पूछा, मां पिता कहाँ हैं? बोले राजा जनक की सभा में गए शास्त्रार्थ करने और हार गए तो उन्हें पानी में डुबा दिया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अष्टावक्र जी चले। वक्र जी नाम क्यों था? क्योंकि 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह चलते थे ना, तो भांगड़ा और डिस्को एक साथ होता था, तो लोग बहुत हंसते थे उन पर। पर ज्ञानी इतने थे, अभी ये बताऊंगा मैं कितने ज्ञानी थे। वो जनक नहीं है सीता मां के पिता, उस पदवी पर बैठने वाले को जनक कहा जाता है। तो जनक की सभा में अष्टावक्र जी गए, और अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो अष्टावक्र जी सभा में जैसे ही गए तो जितने विद्वान ब्राह्मण थे, विद्वान, वो सब हंसने लगे, हा हा हा, अष्टावक्र जी को देखकर ना सबको खूब हंसी आए, और वो चले तो लोग हंसे, खूब हंसे ब्राह्मण वहां, विद्वान बड़े ज्ञानी, और खूब हंसे, खूब हंसे, खूब ताली बजा बजा के ठहाका लगा ला, खूब हंसे। अष्टावक्र जी देख रहे थे, और जब सब हंस लिए, थक गए हंस के, तब अष्टावक्र जी ने हंसना स्टार्ट किया। अब अष्टावक्र जी खूब हंसे, खूब हंसे, खूब हंसे। अब जब अष्टावक्र जी हंसे तो वो जितने हंसने वाले ज्ञानी थे चुप हो गए। तो राजा जनक ने कहा, अष्टावक्र जी आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि पहले इन अपने मूर्ख पंडितों से पूछो कि ये क्यों हंसे। अब वो सारे पंडित बुरा मान गए, हमें मूर्ख कहा। अष्टावक्र जी कह रहे, तुम्हारी सभा में सब मोची बैठे हैं, मोची, चमड़े का काम, चमड़े का ज्ञान किसको होता है? चमड़े का बढ़िया ज्ञान किसे होता है? मोची को। अष्टावक्र जी ने कहा, तुम्हारी सभा में मोची बैठे हैं, मैंने पहले इनसे पूछो कि ये क्यों हंसे। जनक ने पूछा ब्राह्मणों से, भाई ये बताओ कि जब ये अष्टावक्र जी आए तो आप लोग हंसे क्यों? बोले हम तो इसलिए हंसे क्योंकि इनका चाल चलन ऐसा था टेढ़ा मेढ़ा, तो हंसे।
तो अष्टावक्र जी ने अब कहा, जनक ने कहा, इन्होंने बताया कि आपका चलना अजीब था तो आपके चाल चलन को देखकर हंसे, आप बताओ आप क्यों हंसे। तब अष्टावक्र जी ने कहा, जनक सुन, मैंने तो सुना था कि तेरी सभा में ज्ञानी बैठते हैं, लेकिन आज आकर देखा कि तेरी सभा में तो सब मोची बैठे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब तो सारे ब्राह्मण ज्ञानी हमारा अपमान कर दिया। राजा जनक से अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज बताओ, जिस परमात्मा ने मुझे बनाया उसी परमात्मा ने इन लोगों को बनाया है या नहीं? ऐसा है क्या कि मुझे बनाने वाला विधाता अलग और इन्हें बनाने वाला विधाता अलग? जिस माटी से तुम बने हो उसी माटी से मैं बना हूं। यदि बनाने वाला विधाता एक है, बनने वाली माटी एक है, तो पर हंसी किस बात की? तो भैया सारे पंडित चुप, बताओ आप हंसे किस पर? यदि आप मुझ पर हंस रहे हैं तो मैंने तो अपने आप को टेढ़ा नहीं बनाया, मैं तो आठ जगह से अपने आप को मैंने तो टेढ़ा नहीं किया। कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अंधा है तो उसने तो अपने को अंधा लूला लंगड़ा नहीं बनाया, उसे बनाने वाला है तो विधाता। तो तुम हंस किस पर रहे हो? उस बनाने वाले पर हंस रहे हो या उसकी माटी पर हंस रहे हो? अब सारे विद्वान चुप। अष्टावक्र जी की कोई बात का किसी के पास उत्तर नहीं था, जबकि उम्र में सबसे छोटे थे अष्टावक्र जी, वहां जितने लोग थे। और राजा जनक से कहा, बोल तुझे क्या सुनना है, क्या शास्त्रार्थ करना है? राजा जनक ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे भगवान की प्राप्ति करा दो, यदि आप विद्वान हैं तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति करा दो। अष्टावक्र जी बोले, तैयार हो जा, मैं तुझे अभी कराता हूं भगवान की प्राप्ति, पर मेरी बात सुन। घोड़ा ला, एक घोड़ा लाया गया। अष्टावक्र जी ने कहा, ये बता इस घोड़े पर चढ़ने में तुझे कितना समय लगेगा? घोड़े पर चढ़ने के लिए ना एक लोहे का पांवदान होता है, वो पांवदान पर अपना पांव फंसाओ और फिर घोड़े के ऊपर ऐसे छलांग मार के बैठ जाओ। तो घोड़े के पांवदान पर पांव फंसाने के बाद घोड़े पर बैठने का टाइम कितना है, मतलब कितना समय लगता है? राजा बोले, महाराज ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। अष्टावक्र जी ने कहा, जनक जितनी देर में तू घोड़े पर बैठ सकता है उतनी देर में मैं तुझे भगवान की प्राप्ति करा सकता हूं, परंतु एक शर्त है, तू भगवान की प्राप्ति करना चाहता मैं करा दूंगा, इतनी देर में करा दूंगा, मतलब 10 सेकंड के अंदर करा दूंगा, लेकिन एक बात बता, क्या तेरा मन स्थिर हो चुका है? यदि तेरा मन स्थिर हो गया है तो मुझे केवल 10 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। अब तू बता कि क्या तेरा मन स्थिर हुआ? राजा बोले, नहीं अभी मन तो स्थिर नहीं हुआ। तो जा, तू जिस दिन मन को केंद्रित करके ले आएगा, मन समझ रहे हो आप लोग, भगवान को पाने में समय नहीं लगता, मन को कंट्रोल, मन को केंद्रित करने में टाइम लगता है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि शास्त्र मन पर रिसर्च करते हैं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।